हे गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट ऑफ एजुकेशन। और मैं हूं रोहित तिवारी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 3.3 एक्सरसाइज। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज अवर 3.3 एक्सरसाइज। इसको स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बातें यहां पे पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ रखा है। सो यहाँ पे वो चीज़ें मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि पैरेललोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें कैसी कैसी होती हैं। एक तो हमारा फिगर होता है रेक्टेंगल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, लेकिन रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। यदि ये साइड और ये साइड लूँ तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। इसी तरह ये साइड एंड ये साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो सेम यही कंडीशन रेक्टेंगल में भी लग जाती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, कि रेक्टेंगल का प्रॉपर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड इट मेक्स 90 डिग्री एट द कॉर्नर। ये क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में दो चीज़ें और हैं यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, कि ये जो एंगल्स हैं अगल बगल वाले एडजेसेंट कहलाते हैं। इंग्लिश में वर्ड है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। सो यू कैन से एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट। सो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल वन एंड एंगल टू। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एंगल वन, एंगल टू, ये एंगल थ्री ले लिया और एंगल फोर ले लिया। तो एंगल वन का एडजेसेंट एंगल टू है, एंगल टू का एडजेसेंट थ्री है, थ्री का एडजेसेंट फोर है। तो कुल मिलाकर ये जो पेयर बन रहे हैं फोर वन, वन टू, टू थ्री, फोर थ्री, ये आपस में एडजेसेंट हैं। सो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, क्लियर। सो एंगल वन प्लस एंगल टू यदि करूँ तो ये मेरा होगा 180 डिग्री। पैरेललोग्राम की एक और खासियत होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंगल और इस एंगल की बात करूं तो ये अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे एंगल टू और एंगल फोर आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसी तरह एंगल वन एंड एंगल थ्री आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज्ड। ए डी किसके बराबर है? ए डी इक्वल्स टू सी बी, सिंपल है, यू जस्ट राइट हियर सी बी। एंगल डी सी बी, प्रॉपर तरीके से हमें इस एंगल को पढ़ना है, डी सी बी मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ, बीच में क्या है मेरा सी, मतलब सी वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। सो इसके इक्वल में कौन सा एंगल होगा? एंगल ए। मैंने अभी बताया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, सो यू जस्ट राइट हियर, यू कैन राइट हियर डी ए बी, ठीक है, एंगल डी ए बी। सेम फॉर द ओ सी, ओ सी, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, यदि मान लो पैरेललोग्राम में मैं दो डायगोनल्स बनाता हूँ तो डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है डी ओ इक्वल्स टू ओ बी, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। तो यहाँ से ओ सी बोला है तो ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के, क्लियर। इसी तरह मेजर, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी प्लस सी डी ए, सी डी ए इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो दोनों का मेजर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल। सो यू कैन राइट हियर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके लिए क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और इसके लिए डी सी बी और डी ए बी, डी सी बी एंड डी ए बी अपोजिट एंगल्स, ठीक है, यू कैन राइट हियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंड हियर ए डी इक्वल्स टू सी बी, अपोजिट साइड्स, ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ से फर्स्ट वाला यदि मैं उठाऊँ तो y किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है यहाँ पे। सो यू कैन राइट हियर y इज इक्वल टू 100 डायरेक्टली एंड जस्ट राइट प्रॉपर्टी अपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेम फॉर द एक्स एंड द जेड, एक्स और जेड आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एक एंगल दिया नहीं, तो मैं कैसे फाइंड करूँ? एडजेसेंट एंगल से मैं फाइंड कर लूँगा। तो 100 यहाँ पे है और यहाँ पे जेड है, जेड और 100 आपस में कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो यू जस्ट राइट हियर एंगल जेड प्लस 100 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सो एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100, सो यू विल गेट हियर 80 डिग्री। क्लियर एंगल जेड। नाउ सेकेंड पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन हियर जेड। अब मैंने बताया है सेम स्ट्रेट एंगल जब बनता है तो टोटल 180 डिग्री होता है, क्लियर है। ये बाहर वाला जेड मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? ये 50 दिया है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, ये 50 डिग्री है, क्लियर। तो ये और ये आपस में कैसे हैं? 50 और x आपस में एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का आप सम जानते हो कितना होता है? एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो यू जस्ट राइट हियर x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो यू विल गेट हियर 130 डिग्री। सो 130 डिग्री क्या मिला आपका? x मिला, ठीक है। अब ये जो x है और ये जो z है, ये कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। एंगल x इक्वल्स टू में एंगल z, और इसका रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल x यू विल गेट 130, सो एंगल z भी कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, क्लियर है। अब आपको y फाइंड करना है, सो y यू नो दैट x और y कैसे हैं आपस में? अपोजिट एंगल हैं। सो एंगल x इक्वल्स टू में एंगल y, ये कैसे हैं आपस में? अपोजिट एंगल्स। सो एंगल y ऑल्सो यू विल गेट 130 डिग्री, सो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? यहाँ पे ये x है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है? स्ट्रेट है, और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यदि ये नीचे वाला ऐसा साइन बना है, इसका मतलब ये 90 है, तो ऑटोमेटिक x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो थर्ड पार्ट के लिए आप क्या कीजिएगा? x इक्वल्स टू यू कैन राइट डायरेक्टली 90 डिग्री, एंड यू विल राइट हियर अप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हाट यू विल राइट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। नाउ यू विल गेट हियर x, x आपको मिल गया, एंड दिस इज 30। नाउ यू हैव टू फाइंड y। सो सिंपल है, ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो यहाँ पे लिखोगे we know that sum of interior angles of the triangle, sum of interior angles of the triangle is 180 degree, you just write here. So x plus 30 degree, यहाँ पे 30 degree दिया था, plus का y, ये कितना होगा? 180 degree। x आपने फाइंड कर लिया 90 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ था, हेयर y, एंड दिस इज 180 डिग्री। सो y इक्वल्स टू व्हाट यू विल राइट हियर? 180 डिग्री, और यहाँ पे प्लस किया तो कितना बना? 9312, सो 120, सो 120 यू विल माइनस हियर, सो व्हाट यू विल गेट? 60 डिग्री। सो एंगल y इज 60 डिग्री, क्लियर। नाउ यू जस्ट सी हियर, y एंड z आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। x और y कैसे हैं? एंगल y एंड z, सॉरी, एंगल y इक्वल्स टू एंगल z, क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो एंगल y आपका 60 है, तो एंगल z ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो इस तरीके से प्रॉपर्टीज सीधे सीधे लिख के आपको यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे ये 80 है, तो एंगल z भी 80 होगा, सो ये भी ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। नाउ ये 80 है और ये x है, तो ये कितना बचेगा? 100 डिग्री, 180 से माइनस कर दोगे, एडजेसेंट एंगल है,
और ये 80 है और y अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, सेम फॉर फिफ्थ पार्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेलोग्राम. क्या ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है, ABCD पैरेलोग्राम है या नहीं है, देखते हैं. एंगल B प्लस एंगल D, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल, दैट इज़ A, दैट इज़ B, दैट इज़ C, दैट इज़ D. ठीक है, अब पैरेलोग्राम में आप जानते हो कि अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और ये एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री सम होता है. यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B ये तो इक्वल है, अपोजिट हैं, तो प्लस कैसे आएगा, दोनों का प्लस 180 नहीं होता, सो ये पॉसिबल नहीं है. इसी तरह ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए बी दिस इज ए बी एंड दिस इज डी 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 सी सॉरी, सो ये दोनों इक्वल हैं और 8 सेंटीमीटर, तो हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉइंट वैलिड है. नाउ ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 एंड बी सी 4.4, ये क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरोग्राम आर इक्वल एंड दे आर नॉट इक्वल, सो यू जस्ट राइट हियर दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. नाउ एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी 65, एंगल ए 70 डिग्री एंड एंगल सी 65, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरोग्राम आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो नो यू जस्ट राइट हियर नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये पैरोग्राम नहीं हो सकता. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप लीव कर सकते हो, कोई नहीं है इसमें, आपको सिर्फ ड्रॉ करना था. क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरोग्राम, एडजेसेंट एंगल का मतलब है ये और ये, ठीक है, अगल बगल वाले 3:2 में है. मैंने पहले भी ये क्वेश्चंस कराए हैं कि जब भी रेशियो में वैल्यूज दें तो आप एक एक्स वेरिएबल ज़रूर ले लेना. तो मान लो कि एक एंगल मैंने ले लिया 3x और एक एंगल लिया 2x, ये मुझे बड़ा वाला एंगल दिख रहा है तो मैंने इसको 3x लिया, ये छोटा था तो 2x लिया. अब मैं जानता हूँ एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सो यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेलोग्राम इज 180 डिग्री. क्लियर, सो यू जस्ट राइट हियर 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 5, सो 5 3 15, 5 6 30, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री. अब x आपको 36 मिला है, फाइंड क्या करना है, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेलोग्राम, हर एक एंगल फाइंड करना है. तो एक एंगल मेरा 3x था, दूसरा एंगल 2x है, तो मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, तो 3 × 36 दैट विल गिव यू 108 डिग्री एंड 2 × 36 दैट विल गिव यू 72 डिग्री. सो ये आपके आंसर हो जाएंगे, सिंपल है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम हैव इक्वल मेजर. यहाँ पे बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल जो हैं पैरेलोग्राम के वो इक्वल मेजर के हैं. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेलोग्राम, यहाँ पे हर एक एंगल मुझे फाइंड करना है पैरेलोग्राम का. सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 आई एम डूइंग हियर, मैं एक पैरेलोग्राम बना लेता हूँ. उसको बनाने के पहले आप जानते हो कि यहाँ पे बोला है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल मेजर. एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, एक्स प्लस एक्स करूँगा तो 180 आएगा. हर एक एडजेसेंट मैंने एक्स एक्स ले लिया क्योंकि वो एंगल आपस में इक्वल थे. सो 2x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 180 डिग्री. सो x इक्वल्स टू कितना आएगा 180 अपॉन 2, सो दैट विल गिव यू 90 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर, सो हर एक एंगल 90 आ गया. अब सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.